हरी बोल हरी कृष्णा क्या करें सभा की सब नीचे चले आओ इतना जल्दी ऊपर मत जाओ गौरचंद्राय राधिकाय स्थलाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद सत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद सत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हाँ हरि बोल हाँ 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 इसलिए हम लोग सवेरे से श्रवण कर रहे थे और कहते हैं इनकी जो साधक जब वैष्णव लोग जब ये शरीर छोड़ते हैं हम लोग कहते हैं मरना शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं कहते तिरभाव महामहोत्सव हम लोग उत्सव शब्द प्रयोग करते हैं हैं बोले उत्सव शब्द क्यों प्रयोग करते हैं बोले कारण है यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है जैसे ही संसार छोड़ कर चले गए लेकिन गए तक गए कहाँ बोले कहीं नहीं गए भगवत इच्छा से ही भगवत द्वारा प्रेरित होकर के इस जगत में वो आते हैं जब उनकी काम पूरी हो जाता है फिर पुनः अपना ठाकुर जी को सेवा में चले जाते हैं इसलिए कहते हैं हम लोग महामहोत्सव है तात्पर्य है जब एक मंजरी व एक सखी इस जगत में आकर के अनंत जीवों को कृष्ण भजन में जो जो बहिर्मुख थे उनको जब उन्मुख करते हुए यहाँ से जब अपना प्रभु जी को पास में जब जाते हैं वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर श्री महाप्रभु उनकी परिकर लोग व राधा कृष्ण उनका प्रिय जन उनको उसी जगत में उनको स्वागत करते हैं। एक मंजरी ने इतने जीवों को कृष्ण उन्मुख करते हुए आए इसलिए बड़े खुश होते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं विरह महोत्सव हम प्रयोग करते हैं लेकिन वहाँ के लिए तो महोत्सव है लेकिन कभी कभी हम लोगों के लिए है ना कभी कभी बड़े दुखदायक होता है इसलिए महाप्रभु राय रामानंद को जो प्रश्न करते हैं बोले कौन दुख दुख मध्य है गुरुतर बोले कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी बार बोले जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है हम लोग साधारण सोचते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है जब फैक्ट्री बंद हो गया नौकरी चाकरी चली गई न
नहीं तो पति पत्नी से, पति पत्नी पति से छोड़ करके चले गए कहीं, हम इसको बड़ा दुख मानते हैं। कहते ये दुख है लेकिन ये सामान्य दुख, ये बड़ा दुख नहीं। कहते सबसे बड़ा दुख है जब भगवान भक्तों से हम लोग बिछोड़ जाते हैं, क्योंकि जब भगवत भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है, इसलिए श्री ध्रुव महाराज कहते हैं भक्तिर मुह प्रभवताम तोई में प्रसंग भूयादनत महताम अनंत शयनम। कहते प्रभु हमें वैष्णव भक्तों का संग प्रदान करो, उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी के रस की धारा जब प्रवाहित होते हैं, जब हम उसमें डुबकी लगाते रहते हैं, कभी ये माया हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जब वैष्णव संग से हम बिछड़ जाते हैं, ये माया चारी तरफ से हमें पकड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन में जो सबसे बड़ा दुख समय आएगा, उस समय हमें मदद करने वाले कौन है, हमें मदद करने वाले बोले शुद्ध भक्तों का जो हरि कथा ही उस समय हमें मदद करने वाले, उनका जो वीरजवती कथा है, वो तो मरे हुए व्यक्ति को भी कृष्ण भक्ति रस में उनको तुम जगा देता है। ये भक्तों का कथा में कितने ताकतपूर्ण, उसमें ताकत होती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते रसायन कथा, इसलिए कथा को उन्होंने रसायन प्रयोग किया। रसायन मतलब क्या है, 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनी हुई होती है, जिसको पान करने पर शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में बड़ी ताकत आ जाती है, उसको कहते रसायन। सचमुच ये शुद्ध भक्त का जो हरि कथा है बड़ा बलवान है, बड़ा वीरजवती कथा है, जो मरे हुए व्यक्ति को भी ये जगा देती है शुद्ध भक्तों का हरि कथा। इसलिए जो भक्त लोग को देखते हैं हम विरह जो प्रयोग करते हैं भैया, इसलिए अब कह रहे थे ना ईश्वर जन्म तिथि जहन पवित्र सही मत वैष्णव तिथिर चरित्र, जैसे ईश्वर का तिथि जैसे पवित्र है, वैष्णव का भी वैसे तिथि पवित्र है। इसलिए जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीत तत्वतः देखता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य अलौकिक और अपराकृत है, उसी तरह वैष्णव का जन्म तिथि भी ऐसे दिव्य अलौकिक। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए, गुरु जी प्राय करके बोलते थे बोले एक समय को एक नट था, वह अपना पत्नी दो बच्चों को लेकर के राज दरबार में उसने जादू विद्या दिखाने के लिए आया। सारी राज्य के लोग इकट्ठे हो गए, वो क्या उन्होंने जादू विद्या दिखाया नट और नटी, जिसको देख करके रानी इतने मुग्ध हो गई, अपना गले में जो गजमती हार था कीमती नवला का हार उतार करके उसने उसको दे दिया। देते ही उनका जो दो बच्चे थे, अभी दोनों बच्चे एक साथ में झपटे, एक बच्चा कहता है मुझे दे दो और एक बच्चा कहता है मुझे, दोनों खेचातानी कर रहे और कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दोनों को मैदान में था तलवार, एक साथ में दोनों तलवार निकाले और एक एक ऊपर को मारे तो दोनों की गला शरीर से अलग। जब वो उनका माता जी थी नटी, उसने देखा जब मेरे दोनों बच्चे ही गए तो मैं शरीर धारण करके क्या करूंगी, उसने तलवार लिया और अपना गले को वहीं पर काट दिया। उसको पिताजी ने देखा भैया जब दोनों बच्चे गए पत्नी भी गई, फिर मेरे शरीर किसी काम का है, वो भी उसी तलवार लिया अपना गले को वहीं पर काट डाले, पूरा लहू लुहान, वहां जो आनंद की लहरी छा रही थी पूरा शोक का शोक में सबके सब डूब गए। रानी सोच रहे मैंने क्यों ये हार किया, ये हार की वजह से ये जितने सारे अनर्थ हो गया, मैंने बहुत गड़बड़ किया। राजा बोले जाओ कि शरीर को लेकर संस्कार कर दो, उसको संस्कार कर दिया। दो दिन बाद में एक लेटर आया, बोले महाराज महारानी हमारे प्रणाम स्वीकार हो, हमने पहला दिन जो हाथ की सफाई अपने दिखाया था, जादू दिखाया था, उसी समय था आपने मेरे को गजपति हार अपने मेरे को प्रदान किया, लेकिन लास्ट जो मैंने हाथ की सफाई दिखाई आप तो अभी तो कुछ दिए ही नहीं, हम लोग मरे नहीं, हम लोग अभी जिंदा है, हमारी ये एड्रेस है, हम बच्चों के साथ में सुखपूर्वक। राजा सुनते ही तो बड़े आश्चर्य हुए, उन्होंने रानी को बुलाया मंत्री को बुलाया, बोले इधर आओ हैं, बोले देखो ये लेटर क्या आया, बोले क्या अभी वो जिंदा, हमारे सामने मर गए, उनको शरीर को जला दिया जिंदा, बोले चलो चलो उपहार लेकर चलो देखने के लिए जाते हैं। जब वो देखने के लिए गए ना और उपहार लेकर के देखा, वो नट और नटी दोनों बच्चों के साथ में पान चिबाते हुए मुस्कुराते हुए आ रहे,
और आकर के राजा की गला में एक फूलों की माला पहना दिया। बोले अभी आप जिंदे हो, हमारे सामने तो आपका मर गए, अपने शरीर भी हमने जला दिया, आप जिंदे हो। तब से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर एक साधारण नट ऐसे अगर दिखा सकता है हाथ की जादू, पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिनके एक इशारा पर ही जस्य प्रभा प्रवतो जगत दंड कोटि कोटीसु बस अशेष वसुधाति विभूति विरनम जत ब्रह्मा अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजा। जिनके एक इशारा पर पता नहीं कितने सृष्टि स्थिति प्रलय केवल एक इशारा पर हो जाता है, वो क्या नहीं दिखा सकते। तो कहते जैसे उसी तरह ही जो वैष्णव लोग है ना, ठीक वैसे हमें क्या दिखा, वैष्णव लोग चले गए कहीं नहीं। गुरु जी एक उदाहरण देते थे, जैसे एक पिताजी छोटे बच्चों को क्या करता है, अंगुल पकड़ करके उसको चलाना सिखाता है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा चलना सीख जाए ना, वो क्या करता है, उसको माता क्या करती है, थोड़ी सी पीछे बैठी करके बच्चे को छोड़ देता है कि कैसे चलना सीखा। वो जब बच्चा धीरे धीरे चलते चलते जब चलता फिर गिरने जाता है ना, फिर माँ आकर के झट पकड़ लेती है। कहते उसी तरह दिखाई पड़ता है गुरु गर्ग जैसे चले गए, बोले कहीं नहीं गए। अभी तक हमको अंगुल पकड़ करके उन्होंने जो चलाना सीखा है ना, वो पीछे से बैठ करके देख रहे हैं, मैंने इनको जो शिक्षा प्रदान की है क्या सचमुच से वो शिक्षा को अपना जीवन में उतार रहे हैं क्या, ना मैंने जो शिक्षा दिया उसको उल्टा कर रहे सबके सब। इसलिए गुरु गर्ग कहीं नहीं गए, वो एकदम हमारे पीछे बैठे है, बैठ करके सारी चीज को वो देख रहे हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक समय बोल रहे थे, बोले देखो मैंने अपना गुरु जी से जो चीज सीखा है मैंने कोशिश किया है तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए, अभी तुम लोगों को ऊपर निर्भर करता है, अभी तुमने हमारी शिक्षा को कितना दूर तक अपना जीवन में उतारते हो और गुरु वर्ग का विचार को कितना दूर तक ले जाते हो अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि महाराज स्वयं महाराज एक बार बोल रहे थे, इसलिए गुरुवर्ग कहीं नहीं गए, गुरुवर्ग वो नित्य विद्यमान है, कहीं छोड़कर गए नहीं, केवल पीछे बैठ करके देख रहे तुम कर रहे हो क्या। इसलिए क्या करने चाहिए, गुरुवर्ग का आदेश उपदेश को अपना जीवन में उतार कर दिए, हमें उनके रास्ता को हमें अनुसरण करनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने बहुत कथा सुनी, अब हमारा श्री संजय प्रभु जी गुरु जी के चरण में कुछ पुष्पांजलि प्रदान करिए, कृष्णदास प्रभु जी है, इसलिए आप थोड़ा बोलो। बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करे चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद्
शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अभिन्न गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जगत गुरु नित्य लीला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं जगत गुरु नित्य लीला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हो। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे श्रीपाद कृष्णदास प्रभु ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग प्रातःकाल से ही आज इस विशेष मंगलमय दिवस की अभ्यर्थना करने के लिए हमारे तीन तीन गुरुवर्गों की इस शुभ तिरोभाव दिवस को हम लोग प्रातःकाल से पालन कर रहे हैं। विभिन्न वैष्णवों के मुख से विभिन्न दृष्टिकोणों से हमने उनके बृहद सेवामय जीवन के कुछ अंशों को श्रवण किया। हम लोगों ने प्रातःकाल जो कुछ विचार श्रवण किए उनको श्रवण करने से भी जो कुछ कहने की इच्छा थी उसके साथ में भी और भी बहुत सारे विचार युक्त हो गए। विशेष करके हम लोगों ने प्रातःकाल श्रवण किया कि किस प्रकार विद्या होने के कारण शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की तिथि और शिला स्वामी महाराज जी की तिथि एक साथ युक्त हो गई। गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि नंद बाबा कृष्ण के विरह में जब बड़े व्याकुल हैं, कृष्ण चले गए मथुरा तो नंद बाबा विरह में बड़े व्याकुल हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि विरह में व्याकुल होकर के वो गृह से बाहर चले जाते हैं, किंतु जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है कृष्ण की लीला स्थलियां जो हैं जहाँ कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे उन कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करके नंद बाबा का विरह जो है वो और अधिक वर्धित हो जाता है, विरह और अधिक बढ़ जाता है। ब्रज गोपियां जब कृष्ण के विरह में व्याकुल होती हैं तो क्या करती हैं, ललिता विशाखा इत्यादि श्रीमती राधिका को सांत्वना देती हैं, कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हैं। इसका अर्थ क्या है, विरह में क्या अवस्था होती है, मिलने सायका विरह तु तन्मयम जगत, सर्वत्र ही उनको क्या होता है कृष्ण की स्फूर्ति होती है और विरह में इतना अधिक व्याकुल होती हैं कि एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए क्या होती हैं एकत्रित हो जाती है। इसलिए गुरुवर्गों की विरह तिथि के पीछे भी कुछ ना कुछ एक साथ में एकत्रित होने के पीछे कुछ ना कुछ विशेष भावनात्मक कारण भी है, अवश्य ही कुछ ना कुछ विशेष कारण। हम लोग प्रातःकाल श्रवण कर रहे थे जिस समय श्रीला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने अपने अप्रकट लीला को आविष्कार किया वर्ष 2002 में, तो सबको स्मरण होगा जो लोग उपस्थित थे, गुरु महाराज जी ने जब हरिकथा कहना आरंभ किया तो उन्होंने अपनी हरिकथा आरंभ कहाँ से की, अभी अभी महाराज जी जिस पयार को श्रवण करा रहे थे श्रीमन महाप्रभु जी राय रामानंद जी से पूछ रहे हैं दुख मध्य कौन दुख होय गुरुतर, राय जी हमको ये बतलाइए जगत में जितने प्रकार के दुख हैं वास्तव में तो जागतिक दुख नहीं है, क्योंकि परम गुरु जी कहते हैं शोक में और विरह में भूमि आकाश का पार्थक्य है, शोक तमोगुणमय है तमोमय है। शोक होने पर क्या होता है, जिसके प्रति शोक हो रहा है उसके प्रति आसक्ति और अधिक बढ़ जाती है, किसी मैया की संतान का निधन हो गया शोक होगा तो क्या होगा, और सांसारिक आसक्ति को वर्धित करने वाला है शोक, इसलिए शोक को कहा उन्होंने तमोगुणमय है। किंतु विरह क्या है, विरह है निर्गुण, और परम गुरु जी कहते हैं वैष्णवों का जो वैराग्य है ना वो विरह से ही उद्भूत होता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को विरह हो रहा है रूप गोस्वामी जी से, तो सब कुछ छूटा कि नहीं छूटा भोजन पान इत्यादि, ये जो वैष्णव वैराग्य है ना युक्त वैराग्य, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गुम कथ्यते, ये फल्गु वैराग्य नहीं है, ये क्या है अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, निर्बंध कृष्ण संबंधे
कृष्ण और कृष्ण भक्तों के साथ में जितना अधिक संबंध वर्धित होगा उतना अधिक वैराग्य स्वाभाविक रूप में जीवन में दिखलाई देगा। भागवत कहती है ना, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। जैसे जैसे भक्ति वर्धित होगी वैसे वैसे जागतिक विषय वस्तुओं से वैराग्य स्वाभाविक रूप में आएगा, स्वाभाविक रूप में। इसलिए परम गुरु जी कहते हैं शोक क्या है, वो तमोगुणमय है, किंतु विरह कौन क्या है, विरह निर्गुण है, वो संसार की आसक्तियों से मुक्त करने वाला विरह है। और वैष्णवों का जो वैराग्य है ना, वो विरह से ही उद्भूत होता है, सब कुछ छोड़ जाता है। कहां ब्रजवासी लोग इतने उत्साह उल्लास और उमंग के साथ में कृष्ण के लिए यशोदा मैया कितनी रसोई बनाती थी, उनका संपूर्ण दिवस ही कृष्ण की सेवा में व्यतीत होता था, किंतु कृष्ण चले गए तो विरह में क्या अवस्था हो गई। सुनते ना, उद्धव जी जब ब्रज में आए तो चूल्हे पर तो मकड़ियों के जाले लग गए। हमारे गुरु महाराज जी बड़े भाव में आविष्ट होकर के ये सब प्रसंग हम लोगों को श्रवण कराया करते थे। तो ये विरह जो है ना, इसका बड़ा महात्म्य गौड़ीय साहित्य में कहा गया। इसीलिए इस विरह भाव का कुछ हृदय में हमको अनुभव करना साधन दशा में बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक। गुरु महाराज जी ने तो यहां तक भी कहा, यदि गुरु वैष्णव से विरह नहीं हो रहा है तो समझो हमारा साधन ही आरंभ नहीं हो रहा हुआ अभी तक। यदि विरह नहीं हो रहा है, व्याकुलता नहीं हो रही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे व्याकुल हो रहे, शून्य आयते महागोष्ठम गिरिंद्रोजग्रायते व्याघ्र तुंडायते कुंडम जीवातु रहितस्य में, ये सब विरह से उद्भूत। हम लोग यदि राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन की तुलना व्याघ्र से बाघ से करें, अपराध होगा कि नहीं होगा? रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अपराध होगा? राधा कुंड की तुलना गिरिराज गोवर्धन की तुलना बाघ से कर रहे हैं, अजगर से कर रहे हैं, अपराध होगा? नहीं होगा। श्रीमती राधिका विरह में व्याकुल होकर कृष्ण को कितने प्रकार के शब्द कहते, कितने प्रकार के व्यंग्य कहते, उलाहना देती है, अपराध होता है? अपराध नहीं होता। बड़ा ही विरह की बड़ी उत्कट दशा है। ये विरह जो है ना, एक बड़ा विचित्र बड़ा विशेष भाव है, इसको कुछ अनुभव करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने जहां से अपनी कथा आरंभ की ना, उन्होंने यही बात सबसे पहले कही कि राय रामानंद जी से महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, राय जी ये बतलाइए दुख मध्य कौन दुख होय गुरुतर। जितने भी प्रकार के दुख हो सकते हैं उनमें सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण दुख क्या है? राय जी ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर माने श्रेष्ठ। कि प्रभो, कृष्ण भक्तों से जो विरह है ना, उससे श्रेष्ठ दुख कोई हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज जी ने यहां से अपनी बात आरंभ की, ऐसे ही नहीं कुछ एक प्यार कह दिया। ये गुरुवर्गों की जो भावना है ना, उसके साथ में कुछ ना कुछ हमको स्पर्श करना बड़ा आवश्यक है, उसमें प्रवेश करना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, बस ऐसा लगेगा कि गुरु जी ने तो कोई एक उनकी स्मृति में एक प्यार मात्र कह दिया। ये केवल प्यार मात्र नहीं है, उनकी भावना है। 60 वर्षों से भी अधिक समय तक उनका श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ संबंध रहा, और गुरु महाराज जी अपने शिक्षा गुरु के रूप में, ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे उनके, अपने शिक्षा गुरु के रूप में उनको सदा सर्वदा स्मरण करते थे, सदा सर्वदा। गुरु महाराज जी ने आज श्री भक्तिवेदान स्वामी महाराज जी की भी तिथि है, मैं कुछ विरह के विषय में एक बात कह के उसके पश्चात कुछ आगे बढ़ूंगा। गुरु महाराज जी वर्ष 1993 की बात है, ये स्कॉन मंदिर है ना वृंदावन का, कृष्ण बलराम मंदिर, इसमें निमंत्रित होकर गुरु महाराज जी उपस्थित हुए। और शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की विरह तिथि पर उन्होंने अपनी पुष्पांजलि देना जब प्रारंभ किया, तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ने कहा कि विरह तिथि का क्या तात्पर्य होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं विरह तिथि का क्या तात्पर्य है, तो बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही। गुरु महाराज जी कहते हैं विरह तिथि का तात्पर्य है कि जिनकी विरह तिथि हम लोग पालन कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपने इष्ट की सेवा में अपने जीवन को जिस प्रकार से उत्सर्ग किया है, जो आदर्श भजन का उन्होंने दिखलाया है, हम उसकी चर्चा करें और उस आदर्श को अनुसरण करने का संकल्प करें, अपने जीवन में उनको उनके आदर्श को पालन करने की सब प्रकार से चेष्टा करें। गुरु महाराज जी कहते हैं ये वास्तव में हमारी विरह तिथि है। यद्यपि विरह तिथि का तो बड़ा उन्नत वैशिष्ट है, जब इसमें भी विचार में प्रवेश करेंगे, इसमें गोस्वामियों के बड़े गंभीर गंभीर विचार, श्री दास गोस्वामी जी का विलाप पुष्पांजलि, यदि किसी ने भी उस कुसुम रूपी अंजलि का एक अश्रु स्पर्श किया ना जीवन में, वो जान सकेंगे वास्तव में विरह किसको कहते हैं, किसको विरह कैसे कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद का उत्कल्लिका वल्लरी, ये वास्तव में विरह की सब बातें हैं। बहुत गुरुत्वपूर्ण विचार है भाई, बहुत गुरुत्वपूर्ण विचार। इतना अर्थात गंभीर ये सागर है, इसमें प्रवेश करो, इसका कोई अंत ही नहीं है।
किंतु बात यह है कि ऐसे विषयों को कहने सुनने के लिए हमारी चित्त की वृत्ति कितनी प्रस्तुत है, ये मूल प्रश्न है। हम तो बस विरह तिथि पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कितना प्रवेश कर सके उनके आदर्श में, कितना प्रवेश कर रहे हैं और कितना अनुसरण कर रहे हैं उनके आदर्श का। वास्तविक रूप में हो रहा है तो गुरु पाद पद्म का भजन आदर्श जीवन में परिलक्षित हो रहा है, तो ये विचार करने के लिए श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते थे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की विरह तिथि पर आज जजमेंट डे उपस्थित हुआ है। जजमेंट डे माने निर्णायक दिन उपस्थित हुआ है। कितना उत्सर्ग किया अपने जीवन को श्री गुरु की सेवा में, उनके भजन आदर्श को कितना हृदय में आदर दिया, कितना सम्मान दिया, उसका कितना अनुसरण किया, ये विचार करने का दिन उपस्थित हुआ है। तो ये बहुत गंभीर गंभीर सब विचार है, हमको प्रवेश करना होगा इसमें। यदि वास्तव में साधक होना है तो वास्तव साधक प्रवेश करना होगा, और यही प्रवेश द्वार है। अंततः विचारों को तो समझे, विचारों को तो जाने, तब तो कभी ना कभी उनको पालन करने के लिए भी मन में क्या होगी, आकुलता व्याकुलता होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जीवा तो ठहरने का नाम ही नहीं लेती। ये विरह तत्व तो इतना गंभीर है, एक एक विलाप पुष्पांजलि में श्री दास गोस्वामी जी के भाव देखिए, श्री रूप गोस्वामी जी के भाव देखिए उत्कल्लिका वल्लरी में, श्री चक्रवर्ती पाद के भाव देखिए श्री संकल्प कल्पद्रुम में। ये सब विरह की बातें हैं, ये सब गौड़ीय भजन की, गौड़ीय भजन राज्य की ये सब संपत्ति है। तो कितना संपत्ति को एकत्रित किया भाई, उसके लिए विचार करने का दिन उपस्थित हुआ। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की भजन आदर्श की बात हम लोग सुन रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहां से प्रारंभ किया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर, और बड़े ही भाव विनय कंठ से गुरु महाराज जी ने उनकी महिमा का गुणगान किया। और ऐसे ही शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, जिस समय वो 2004 में प्रकट हुए और गुरु महाराज जी नवद्वीप से लौट करके आए ना, तो जो उनके निकट में थे उन्होंने दर्शन किया होगा, क्या गुरु महाराज जी की व्याकुलता थी। उनकी समाधि के पश्चात जब गुरु महाराज जी लौटे गोवर्धन में, क्या उनकी व्याकुलता थी, और उसको शब्दों के द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। जो उपस्थित थे और जिनको कृपा पूर्वक उन्होंने कुछ अनुभव करा दिया, कुछ दर्शन करा दिया, वो जान सकते हैं कि वास्तव में विरह किसको कहते हैं, कैसा इन तीनों महापुरुषों का संबंध था, और वास्तव में विरह की जो वैष्णव विरह का जो गुरुत्व है ना, इसका उन्होंने कुछ छीटा सा अपने आदर्श के द्वारा दिखलाया। उन्होंने बड़े गदगद हृदय से उन्होंने क्रंदन किया था शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का नाम स्मरण करके, गुरु महाराज जी, और इसको क्या कहें, बस जिन्होंने दर्शन किया वो समझ सकते हैं। वास्तव में सुनते उसी समय बाहर आकर उनकी अवस्था जो हुई, और जो लौट करके आए कुछ जड़ नेत्रों से जो दर्शन किया, हम तो क्या समझ सकेंगे उनके उनके भाव को और उनकी महिमा को, किंतु उन्होंने जो विलाप किया, जो क्रंदन किया, क्या उसके विषय में कहें। तो इसको इस विरह के राज्य में इसमें कुछ प्रवेश करना है। हमारे गुरु महाराज जी प्राय ही प्रत्येक वर्ष हमको श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की महिमा श्रवण कराया करते थे, क्योंकि समय बहुत संक्षिप्त है। यही एक सबसे बड़ा दुख भी है कि संक्षिप्त समय में ऐसे बृहद विषय को हम कहां तक स्पर्श करें, कहां तक। तो इसलिए मन से प्रार्थना हो कि कभी ऐसा समय आए, जैव धर्म में होता है ना, आरंभ में पढ़ते हैं, क्या होता है, परमहंस बाबा जी महाराज की गोष्ठी बैठी है और बस हरि कथा का प्रवाह ऐसा प्रचलित हो रहा है कि ना भोजन की सुध है ना पान की सुध है। कभी तो हमारी भी ऐसी दशा है, वामन है, छोटे हैं, पर उन्नत आशा तो कर सकते हैं ना, आशा करने में क्या जाता है, प्रार्थना तो कर सकते हैं। कभी ऐसा समय आए कि बस ऐसे ही हरि कथा, उसके कीर्तन, श्रवण कीर्तन में बस समय कहां बीत जाए पता ही ना चले। तो जो भी हो, गुरु महाराज जी बहुत सारे विचार श्रवण कराया करते थे, विशेष करके उनके भजन आदर्श की मैं कुछ छीटा पूटा ही आचमन ही स्पर्श कर चले। स्नान करने का सौभाग्य तो कब मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए मन में बातें आती हैं। विशेषकर हम लोगों ने सुना श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने वैष्णव के नाम का एक कीर्तन लिखा है, यदि किसी ने प्राय ही सुना होगा, सुना है ना, वैष्णव के कहां से प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है कीर्तन वैष्णव के, जो है दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णव। इस कीर्तन को प्रभुपाद जी ने इस कीर्तन की रचना की, जिन्होंने कुछ अनुशीलन किया होगा वो जानते होंगे। विशेष करके प्रभुपाद जी ने कनक कामनी प्रतिष्ठा, इन तीन विषयों को इस कीर्तन में विशेष रूप से खंडित किया है। साधक के लिए इन तीनों विषयों को छोड़ना कितना आवश्यक है, इसको प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से बतलाया। किंतु इसमें ध्यान देने की जो बात है ना, वो ये है कि संपूर्ण कीर्तन में, बड़ा विस्तृत कीर्तन है, शिला प्रभुपाद जी ने
कनक शब्द का व्यवहार किया चार बार, बात को समझना ध्यान से, कनक शब्द का व्यवहार किया चार बार, कनक माने धन की स्पृहा। कामनी शब्द का व्यवहार किया प्राय तीन बार, कुछ आगे पीछे हो सकता है, जहां तक हमने अनुशीलन किया यही समझ में आया। कनक शब्द का व्यवहार किया चार बार, कामनी शब्द का व्यवहार किया तीन बार, प्रतिष्ठा शब्द का व्यवहार किया चौदह बार। चौदह बार क्यों किया? शिला प्रभुपाद जी चैतन्य भागवत में एक स्थान पर लिखते हैं किसी प्रसंग में कि साधक कनक और कामनी इसको तो फिर भी छोड़ दे, यद्यपि छोड़ना साधारण नहीं है फिर भी छोड़ सकता है, किंतु प्रतिष्ठा इसको छोड़ना अत्यंत असहज है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात हमने प्रातः काल भी श्रवण की, प्रतिष्ठा सा दृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत, क्या उपमा दे रहे हैं स्वपच रमणी के साथ उसकी। क्यों? शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर एक बात कोट की है, वो कहते हैं जो प्रतिष्ठा है ना, ये प्रतिष्ठा ही सभी कपटता का मूल है, सभी कपटताओं का। यदि प्रतिष्ठा की आशा हृदय में है तो सब प्रकार की कपटता हृदय में विद्यमान। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं बिना प्रतिष्ठा को छोड़े साधक का साधन संभव ही नहीं हो सकता, किंतु प्रतिष्ठा को छोड़ना, जिसको समझना बात को, इतना उसको गुरुत्व दे रहे हैं। कनक शब्द का व्यवहार किया चार बार, कामनी शब्द का व्यवहार किया तीन बार, प्रतिष्ठा शब्द का व्यवहार किया चौदह बार, इसको इतना छोड़ना आवश्यक है। ये इतनी इतनी हमारे साधन भजन के लिए क्या है, इतनी प्रतिकूल वस्तु है, किंतु इसको छोड़ना सहज है, जिसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी कह रहे अत्यंत असाधारण विषय है। अब किंचित सा इस विषय को इन महापुरुष के जीवन में देख लीजिए। शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, हम प्रातःकाल श्रवण कर रहे थे ना, महापुरुषों के लक्षण क्या हैं, कैसे जानेंगे महापुरुष हैं, लक्षणों से ही जानेंगे कि वो महापुरुष हैं। तो कुछ उनके जीवन की दो एक घटना हम सुन ले, और वास्तव में तो उनका एक मोरल कंडक्ट, जो एक शब्द प्राय हम शिला प्रभुपाद जी के मुख से सुनते हैं, मोरल कंडक्ट, नैतिक आचरण उनका क्या था। चार पांच वर्ष पहले वो गुरु महाराज जी से मठ में आए, चार पांच वर्ष पहले, और गुरु महाराज जी स्वयं अपने मुख से कहते थे कि मैंने भिक्षा करना उनसे सीखा, मैंने कीर्तन करना उनसे सीखा, और गुरु महाराज जी उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में आदर देते थे। और यहां तक कि जब उनके अप्रकट होने के पश्चात गुरु महाराज जी ने उनके चरणों में पुष्पांजलि दी, तो गुरु महाराज जी ने अद्भुत गुरुत्वपूर्ण बात कही। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने, परम गुरु जी के लिए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने कभी मुझ पर शासन नहीं किया, किंतु शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कैसे थे जो कभी कभी प्रीति पूर्वक मुझ पर शासन भी करते थे। और गुरु महाराज जी ने जो बड़ी विशेष बात कही, गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे गुरुदेव के अप्रकट होने के पश्चात शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने एक रूप में उनका स्थान मेरे हृदय में ग्रहण किया। कितनी गुरुत्वपूर्ण बात है, तो आप विचार कीजिए कि उनका स्थान हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारे हृदय में। गुरु महाराज जी कहते एक रूप में, किस रूप में, गुरु जी कहते वो मुझको सदा सर्वदा मेरे प्रचार में, सदा सर्वदा मेरे ग्रंथ प्रकाशन में अत्यधिक उत्साह प्रदान करते थे। शिष्य को आवश्यकता होती है ना ज्येष्ठ गुरु वैष्णव से, रूप गोस्वामी जी ने कहा उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, तो गुरु महाराज जी कहते उन्होंने एक प्रकार से मेरे गुरु का ही आसन उन्होंने मेरे हृदय में ग्रहण किया था, वो मुझे अत्यधिक उत्साह प्रदान करते थे। जब मैं उनको कुछ पत्र लिखता तो वो साथ ही साथ उस पत्र का प्रत्युत्तर देते, और अत्यधिक रूप में मुझसे वो इस बात को कहते, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी गुरु जी से इस बात को कहते थे कि आप महाराज जी जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं ना गुरु महाराज जी की, हम लोग नहीं कर सके, ऐसा कहकर बड़ा उत्साह देते गुरु जी को। इतना उनका गुरुत्व है, गुरु जी से ज्येष्ठ, किंतु हम लोगों ने सुना है मथुरा में साष्टांग प्रणाम करते गुरु जी को, साष्टांग, और गुरु जी को नहीं, गुरु जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं गुरुदेव की पादुका को भी वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, कोई संकोच नहीं करते थे कि उनसे हमसे छोटे हैं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बद्ध जीव के पक्ष में ये व्यवहार किसी प्रकार से संभव है? क्यों संभव नहीं होता? परम गुरु जी ने बड़ी दार्शनिक भाषा में इसका उत्तर दिया, वो कहते हम बद्ध जीव है ना, हम लघु हैं, लघुत्व में प्रतिष्ठित है, किंतु जो गुरु है ना वो गुरुत्व में प्रतिष्ठित है, और गुरुत्व में प्रतिष्ठित होने के कारण जब वो दूसरे में गुरुत्व देखते हैं ना, स्वाभाविक रूप से उनका हृदय क्या होता है, उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। राधा जी है ना, कृष्ण की सेवा करती हैं, तो उनके मन का विचार क्या है, यदि कोई मुझसे अधिक कृष्ण की सेवा करे तो मैं क्या करूंगी, मुई तार ग्रह जाइया सेवो तारे दासी होइया तबे मोर मने रोल दास, मैं उसकी दासी होकर उसकी सेवा करूंगी
यदि कोई कृष्ण की सेवा मुझसे अच्छी कर सके, यह है गुरुत्व का विचार। वो गुरुवर्ग गुरुत्व में प्रतिष्ठित है, इसलिए जब दूसरे में गुरुत्व देखते हैं ना, श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी स्वयं गुरुत्व में प्रतिष्ठित है, जब वो गुरु पाद पद में गुरुत्व देखते हैं ना, स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हो जाते हैं। यही उनकी महानता का, यही उनकी दिव्यता का, यही उनके जीवन मुक्त महापुरुष होने का जाज्वल्यमान प्रमाण है। साष्टांग प्रणाम करते थे गुरु महाराज जी की, पादुका को भी साष्टांग प्रणाम करते थे। एक समय की बात है, ये प्रतिष्ठा की तो क्या बात कहें, जन्माष्टमी के अवसर पर जिसको छोड़ना साधकों के लिए इतना कठिन। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो एक उसी कीर्तन के एक प्यार में कहा ना, कनक कामनी प्रतिष्ठा वागनी छाड़िया छे जा रहे, हमने नहीं छोड़ दिया, कनक कामनी प्रतिष्ठा ने जिसको छोड़ दिया, अरे ये तो हमारा आदर ही नहीं करता, इसके निकट में जाए ये तो हमको कोई आदर ही नहीं करता, तो कनक कामनी प्रतिष्ठा ने ही जिनको छोड़ दिया, उनको क्या कहा प्रभुपाद जी ने, कनक कामनी प्रतिष्ठा बागनी छाड़िया छे जा रहे सही तो वैष्णव। जिस वस्तु को छोड़ना इतना कठिन है, इन जीवन मुक्त महापुरुषों का आदर्श देखिए, उसको छोड़ना तो क्या बात है, कितना सहज रूप में वो वस्तु ही नहीं उनके सामने। माया, भगवान की जो माया है, नारद ऋषि ब्रह्मा जी शिव जी तक मोहित हो गए, हरिदास ठाकुर जी को मोहित कर सकी, स्वयं माया उनके सामने उपस्थित हो गई सुंदर स्त्री का रूप लेकर, वो भी उनकी शरणागत हो गई, लक्ष्य ही आई, हरिदास ठाकुर जी मोहित हुए, माया को ही मोहित कर दिया। ये गौर नित्य सिद्ध गौर जनों का ये महातम्य, गुरु महाराज जी कहते थे ये महातम्य, महाप्रभु जी के पार्षदों का ये महात्म्य, प्रभुपाद जी के पार्षदों का। जिस वस्तु को छोड़ना इतना दुष्कर है, वो ऐसे तिनके के समान उसको छोड़ देते हैं। किसी समय जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में थे, और गुरु महाराज जी का भी चरित्र हमने देखा, जिन लोगों ने दर्शन किया होगा, गिरिराज जी की पूजा भी जब करते थे ना गुरु महाराज जी, तो आरती भी पहले क्या करते थे, उनको देते थे, आप पहले कीजिए। किसी भी समय मर्यादा का उल्लंघन ना उन्होंने स्वयं किया, ना उन्होंने इस प्रकार का आदर्श आचरण अपने जीवन में दिखाया, सदा सर्वदा उनको ज्येष्ठ गुरु भ्राता के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में सम्मान आदर देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, किंतु बहुत गंभीर शिक्षाप्रद उनका आचरण है। क्यों, उस प्रातःकाल सुन रहे थे ना, वैष्णवों का तो प्रत्येक आचरण ही शिक्षाप्रद है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जो करें उसमें ही आचरण है। तो गुरु महाराज जी ने उनको पहले हरिकथा बोलने के लिए दिया, प्राय ऐसा ही होता था, उन्होंने हरिकथा बोलना प्रारंभ किया, तो उनके शब्द क्या थे, बड़े हृदय को स्पर्श करने वाले। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण के आविर्भाव की उपलब्धि भक्त के सही हो सकती है। जन्माष्टमी का अवसर था ना, उन्होंने कहना आरंभ किया, कृष्ण के आविर्भाव की उपलब्धि भक्त के संग से ही हो सकती है, कृष्ण के जन्म की उपलब्धि भक्त के संग से ही हो सकती है। कहते हैं मुझको तो आज तक कृष्ण के जन्म की उपलब्धि नहीं हुई, इसलिए मैं इस विषय में समय नष्ट नहीं करके जिनको कृष्ण के जन्म की उपलब्धि है उनके निकट प्रार्थना करता हूं कि वही हमको क्या करें, कृष्ण के जन्म की उपलब्धि करा दे, इस विषय से हमको अवगत कराएं। मैं तो बड़ा दुर्भागा हूं, मुझको आज तक कृष्ण के जन्म की उपलब्धि नहीं हुई। 2 मिनट हरि कथा कही और गुरु महाराज जी के हाथ में माइक दे दिया, और जब गुरु महाराज जी ने हरि कथा कही तो गुरु महाराज जी कहते हैं महाराज जी ने वास्तव में सत्य ही कहा, ये दुर्भाग्य है, हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे दुर्भाग्य हो जाएं, ये माया से दूर भाग करके सदा सर्वदा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं हम ऐसे दुर्भाग्य हो जाएं। ऐसा आदर्श वो अपने जीवन में पालन करके चलते थे, अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता को वो जिस प्रकार की गुरु जी को मर्यादा दे करके चलते थे, ये वैष्णव समाज में उनके चरित्र, उनका जो भजन आदर्श है ना, उनका जो चरित्र है, उसका इतना सुंदर जाज्वल्यमान प्रमाण है। वर्ष 1997 की बात है, ऋतुदीप राधा कुंड के तट पर थे, गुरु महाराज जी ने उनको हरिकथा बोलने के लिए कहा, और शिला महाराज जी ने उसी प्रकार से इतनी दीनता उनके जीवन में थी, इतनी दीनता, हम सुनते हैं ना, महाप्रभुर भक्त जतो वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट होन गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य ही प्रधान है, जिसको देखकर महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं, ऐसा वैराग्य में उनका जीवन था, क्या कहें। एक साधारण वस्त्र पहन करके, इतना साधारण और वृद्ध अवस्था में भी, गुरु महाराज जी के मुख से सुना, वो इतने योग्य थे कि जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक, यही शब्द गुरु जी कहते थे, सब कुछ कार्यों में निपुण थे, सब कुछ कार्यों में, और वो सब प्रकार से आचार्य होने के योग्य थे, परम गुरु जी की इच्छा भी थी उनको आचार्य बनाने की। ये गुरु जी के मुख से सुनी हुई बातें हैं, केवल कोई प्रचलित प्रवाद नहीं है, गुरु महाराज जी कहते थे, परम गुरु जी की इच्छा थी उनको आचार्य बनाने की। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक क्या कहा, मैं तो सेवक ही, सेवक के रूप में ही, जिनको भी आप आचार्य बनाएंगे उनके सेवक के रूप में ही अपना जीवन में बिता दूंगा, ऐसा उनका एक मोरल कंडक्ट, क्या आदर्श छोड़ गए।
इस पर चर्चा हो और मन में विचार हो कितना हम पालन कर पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको हरि कथा बोलने के लिए कहा और महाराज जी ने कहां से आरंभ किया, कैसी विनम्रता, कैसी उनकी दीनता थी। महाराज जी कहते हैं कि ये जो नवदीप धाम है ना, ये गुप्त वृंदावन है, इसमें वृंदावन की समस्त संपत्तियां इस नवदीप धाम में गुप्त रूप में विराजमान है। किंतु ये नवदीप धाम जो है ना, यद्यपि ये बहुत दयामय है, किंतु अनाधिकारी व्यक्ति के सामने ये नवदीप धाम अपनी शोभा संपत्ति को प्रकाशित नहीं करते, अनाधिकारी व्यक्ति के सामने नहीं करते। तो जो वास्तव में अधिकारी व्यक्ति है ना, मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूं कि हमको इस धाम की कुछ महिमा श्रवण करा दे। और गुरु महाराज जी के हाथ में माइक दे दिया, ये उनका आदर्श था। किस प्रकार जो प्रतिष्ठा रूपी जो बागनी है ना, वो उनको ही छोड़ करके चली गई कि यहां तो हमारा कोई आधार ही नहीं है, उनको ही छोड़ करके चली गई। तो विचार करने की बात है, कितने उन्नत स्तर पर वो अधिष्ठित थे। और उनके जीवन का एक वाक्य था, वचन कहते थे, आई वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू डाई, कभी कभी ये भी बात कहते थे, अनसीन एंड अननोन। ये उनका भजन आदर्श था। सब प्रकार की सेवाओं में नियुक्त होने पर, सब प्रकार की सेवाओं में निपुण होने पर, गुरु महाराज जी से ज्येष्ठ थे, किंतु सारा जीवन कभी शिष्य स्वीकार नहीं किया। गुरु जी कहते थे, बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की, उनके मन का विचार क्या था, गुरु जी से कहते थे, आपके शिष्य श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, ये सब तो मेरे शिष्य हैं। वृद्ध अवस्था तक भी किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते थे, सब प्रकार से अपनी सेवा स्वयं कर लेते थे। वृद्ध अवस्था में भी साइकिल से जाते थे भिक्षा करने के लिए। किसी भी महाप्रभु की छोटी से छोटी सेवा के प्रति भी उनका जिस प्रकार का आदर दिखलाई देता था, वो हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षाप्रद वस्तु है। आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। इतना कुछ कहने के लिए है, ये तो वास्तविक रूप में जल्दी कहें ठीक से आचमन भी नहीं हुआ, स्नान करने की तो बात क्या, इतना उनका आदर्श है। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, बस दो बात मैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ, आज उनकी तिरुभाव तिथि है, दो बात बस, यदि हम उसको ही स्पर्श कर लें, हम समझ पाएंगे कितना गुरुत्व है उनका, कितना गुरुत्व, क्या भजन आदर्श है। हमारे परम गुरु जी ने भक्ति की कितनी सारी परिभाषाएं हमने सुनी है ना, साचा परानुरक्ति ईश्वरे शांडिल्य सूत्र में आ गया, और कितनी सारी परिभाषाएं हैं। किंतु रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति की परिभाषा दी ना, क्या परिभाषा दी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यना वर्तमानुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमारे परम गुरु जी कहते हैं ये भक्ति की, और गुरु महाराज जी प्राय श्रवण कराया करते थे, ये क्या, ये भक्ति की कंप्लीट परिभाषा है, ये भक्ति की कंप्लीट परिभाषा, अनुकूल कृष्णानुशीलनम, इसमें एक एक विचार दिया, तो ये वास्तव में भक्ति की परिभाषा है। किंतु परम गुरु महाराज जी ने भक्ति की एक बड़ी अभिनव परिभाषा दी है, बड़ी अभिनव परिभाषा, उसको सुनना है। परम गुरु जी कहते हैं वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं, अभी अन्याभिलाषिता शून्य होना तो हमारे लिए बहुत सुदूर व्यापार है। तो परम गुरु जी कहते हैं हम साधकों के लिए भक्ति की परिभाषा क्या है, वो कहते हैं गुरु पाद पद्म में आसक्ति ही भक्ति वृत्ति का मूल सूत्र है। इसको हमको गांठ बांध लेना है हृदय में। गुरु पाद पद्म में आसक्ति का अर्थ उन्होंने बतलाया, गुरु पाद पद्म के आचार विचार भजन आदर्श में आसक्ति। समझ में आई तो बात। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने किस परिमाण में परम गुरु जी के हृदय में प्रवेश किया था, हमको इसको समझना है। प्रातः काल हम सुन रहे थे ना, परम गुरु जी ने सबसे पूछा भक्ति की परिभाषा बतलाइए, किसी ने रूप गोस्वामी जी का श्लोक कहा, किसी ने शांडिल्य सूत्र कहा, किसी ने नारद पंचरात इत्यादि नारद जी के जो सूत्र है वो सब बतलाए। किंतु जब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी से पूछा, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रहलाद महाराज जी जो कह रहे हैं ना, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार पेणचा संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधने नचा। गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, यही भक्ति वृत्ति, यही क्या है, मैं तो इसको ही अभी वास्तव में भक्ति समझता हूँ। और परम गुरु जी इतने गदगद हो गए। तो परम गुरु जी के विचारों के साथ में कितने गंभीर परिमाण में वो परम गुरु जी के हृदय के साथ में युक्त थे। एक समय उन्होंने किसी प्रसंगवश अपने गुरु भ्राता को एक शब्द, एक एक वचन कहा कि तोमार चीना भक्ति प्रज्ञान और आमार चीना भक्ति प्रज्ञान एक नौ। वो कहते तुमने जो परम गुरु जी के विषय में कह रहे, तुमने जो श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का दर्शन किया और मैंने जो श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का दर्शन किया, उनका संग किया, वो एक नहीं है। इस विचार की यदि व्याख्या करने जाए ना, इतना इसमें गांभीर्य भरा हुआ है। गुरु दर्शन में भी बहुत भेद है, बहुत भेद। गुरु तो इतना बृहद विषय है, गुरु, ये गुरु तत्व इतना बृहद विषय है, शिष्य का जैसा अधिकार है ना, गुरु वैसा ही अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं, जैसा शिष्य का अधिकार है, जैसी शिष्य की शरणागति है, जैसी शिष्य की निष्कपटता है, वैसा ही गुरु अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, तुमने
शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो दर्शन किया और मैंने शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो दर्शन किया उसमें बहुत पार्थक्य है। उनके इन एक दो विचारों से ही हम अनुमान लगा सकते कि कैसा उनका भजन आदर्श था, क्या उनकी विचार प्रणाली थी, किंतु उस सबको तो कहने का समय नहीं। आज शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की भी तिरुभाव तिथि है, हम लोग उनके विषय में प्रातःकाल भी सुना और प्राय ही प्रत्येक वर्ष सुनते रहते हैं। जब वर्ष 1993 की जो बात मैं बतला रहा था, गुरु महाराज जी इस्कॉन में गए तो उन्होंने अपनी हरि कथा में कुछ दो एक बातें उनके विषय में कही थी, उसको बस स्पर्श करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और भी वक्ता लोग कुछ कुछ बोलेंगे। गुरु महाराज जी ने जहां से कहना आरंभ किया, गुरु जी कहते हैं कि शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन की प्रत्येक क्रिया ही क्या है, बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण प्रत्येक क्रिया उनके जीवन। गुरु जी कहते हैं उनका आविर्भाव हुआ श्री नंदोत्सव के दिन। वास्तव में हम लोगों के लिए नंदोत्सव क्या है? उनका आविर्भाव होना ही हमारे लिए वास्तव में नंदोत्सव है। यदि उनका आविर्भाव नहीं होता ना, तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जो भी लोग जिस भी प्रकार से कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं अथवा इस गौड़ीय परंपरा में आ रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा उपकृत हुए ही हुए हैं। किसी ना किसी रूप में शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के ग्रंथ हो, उनकी विचारधारा हो, उनके प्रचार केंद्र हो, किसी ना किसी रूप में सभी साधक जो वर्तमान समय में इस गौड़ीय संप्रदाय में आ रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा उपकृत हुए ही हुए हैं। क्यों? हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में, यद्यपि सीधे गौड़िया मठ में आते गए, किंतु किसी ना किसी रूप में प्रारंभ में उनके ग्रंथ पढ़ करके हो, उनके विचार हो, किसी ना किसी रूप में उनकी कृपा सब पर ही है। और जिस बात को हम लोग सुन रहे थे आज, श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बात कही है। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, कलि जुगेर धर्म होय नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। ये कलियुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन ही कलियुग का धर्म है, किंतु ये नाम संकीर्तन बिना कृष्ण शक्ति के इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप हम आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने शिला स्वामी महाराज जी के लिए क्यों कहा कि वो शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार भी दो प्रकार के, एक जीव कोटि और एक विष्णु तत्व है भगवत कोटि। इस प्रकार की जो बातें हम सुनते हैं, क्यों कहा? संपूर्ण जगत में उन्होंने ये जो नाम संकीर्तन का, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, इससे ही हम सहज रूप में अनुमान लगा सकते कि वो किस परिमाण में कृष्ण शक्ति से संयुक्त, कृष्ण शक्ति शक्ति से परिपूरित वो है किस परिमाण में। तो असंख्य जीवों को जो आज कृष्ण भक्ति हो रही है अथवा इस पथ पर चल रहे हैं, इसमें किसी ना किसी रूप में शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का योगदान है। इसलिए जो वर्तमान समय में साधक आ रहे, हम सभी किसी ना किसी रूप में उनके ऋणी हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया बड़ी विलक्षण है। आविर्भाव हुआ नंदोत्सव के दिन, संन्यास हुआ मथुरा में, और उसके पश्चात अपरकट लीला आविष्कार कहां की? वृंदावन धाम में। गुरु महाराज जी कहते हैं उनके माता पिता ने उनका नाम रखा श्री अभय चरण देव। क्यों नाम रखा? गुरु महाराज जी कहते हैं अभय चरण किसके हैं? कृष्ण के विषय में कहा गया ना, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, तुम्हार चरण द्वय। कृष्ण के चरण कैसे? अशोक और अभय। तो शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने असंख्य जीवों को कृष्ण भक्ति में ला करके, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करके, उनको चिरकाल के लिए क्या किया है? अशोक अभय किया है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं उनका ये अशोक अभय नाम जो है ये संपूर्ण रूप में ही सार्थक हुआ है। और उनकी उन्होंने अपने जीवन में गुरु निष्ठा का जो आदर्श दिखलाया ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक कीर्तन हम प्रतिदिन करते हैं प्रातः काल में, करते हैं ना, श्री गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या आर ना करिया मने आशा। जब वो वृद्ध अवस्था में जा रहे थे ना, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा शब्द का विश्वास, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, श्रद्धा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? यद्यपि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे नहीं सर्व कर्म कृत है, किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा शब्द का विश्वास, श्रद्धा शब्द का अर्थ है फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव। श्रद्धा शब्द का ये अर्थ है। श्री गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया ये क्या, उनके जीवन का आदर्श देखिए, किस प्रकार अपने गुरु के चरणों में वो समर्पित थे, कितना उनका फर्म डिटर्मिनेशन है। 70 वर्ष की अवस्था में विदेश जा रहे हैं, ये भी नहीं पता उनको कहां जाकर के रहूंगा, ठीक से क्या भोजन करूंगा। उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे ना, अश्रु आ जाते हैं, पाषाण हृदय भी होना यदि किसी का, वो भी अश्रु प्रवाहित करेगा। उनके मन के विचार क्या थे? उन्होंने मन में विचार किया मैं 2 मास के लिए, उस समय उनको 2 मास के लिए वीजा मिला था कि मैं 2 मास के लिए जा रहा हूं,
यदि मुझको कुछ भी नहीं मिला ना तो मैं केवल दलिया खाकर रह जाऊंगा, उबले आलू खाकर रह जाऊंगा। किंतु वो मन में जो संकल्प लेकर जा रहे थे, उनके मन का ये संकल्प था कि गुरु जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने मुझको आदेश दिया था विदेश जाकर प्रचार करना, अंततः मैं प्रयास करूंगा। और यदि इस प्रयास में, उनके शब्दों में बतला रहा हूं, वो कहते हैं यदि इस प्रयास में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं ऐसी मृत्यु की कामना करता हूं, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए। कितना उनका फर्म डिटर्मिनेशन है। और उन्होंने जो स्ट्रगल किया ना, गुरु महाराज जी कहते थे प्रारंभ के 2 वर्ष कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। जो प्रचारक है ना, जो प्रचार करने के लिए जाते हैं, यदि एक बार उनकी जीवनी पढ़े, उनकी आत्मकथा पढ़े ना, वास्तव में कोई आत्मविभोर हो जाएंगे। उन्होंने कैसा परिश्रम किया, कितना कठिनाई से प्रचार किया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात को, हरिदास ठाकुर जी के विषय में तो कहा गया, महाप्रभु जी ने हरिदास द्वारा सहिष्णु रूप सनातन द्वारा दैन्य प्रकाशीलो, हरिदास ठाकुर द्वारा सहिष्णुता जानाई लो। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, किंतु उनके मन का विचार क्या था, खंड खंड होय देह जाए यदि प्राण, तब वामी बदले ना छाड़ी हरिनाम। इतनी सहनशीलता हरिदास ठाकुर जी में, किंतु गुरु महाराज जी कहते थे हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, अद्भुत उनकी सहनशीलता का आदर्श है। किंतु शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी 2 वर्ष पूरे उन्होंने जो स्ट्रगल किया ना, और केवल 2 वर्ष नहीं, पूरा ही प्रचार पर जो आरंभ के 2 वर्ष थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। वो किसी एक विदेशी भक्त के साथ में रहते थे एक हॉल में बड़े से, और वो विदेशी भक्त, उसका नाम था डेविड, और वो विदेशी भक्त वो कुछ नशा करता था है? और वो प्रतिदिन नशा करके आता। श्री स्वामी महाराज जी वृद्ध अवस्था में थे, एक कोने में उन्होंने अपना बक्से के ऊपर टाइपराइटर रख रखा था और उसी पर रात भर टाइप करते थे। वो व्यक्ति नशा करके आता और वो बस एक पर्दा बांध करके बैठे रहते थे, और वो प्रतिदिन क्या करता, वो बाथरूम में साबुन छोड़ देता, कमरे को बहुत गंदा रखता। श्री स्वामी महाराज जी लिखते हैं, मैं उससे निवेदन करता था कि बाथरूम में साबुन मत छोड़ा करो, क्यों? वो मन में विचार करते थे, मैं तो वृद्ध अवस्था में हूं, यदि कहीं मैं फिसल कर गिर पड़ा, कुछ चोट लग गई, तो यहाँ कौन देखेगा मुझको? इसलिए नहीं कि मैं अपनी चिंता, यदि अपनी चिंता होती तो उनको 2-2 हार्ट अटैक आए, विचार करने के बाद उनको 2-2 हार्ट अटैक आए, जब वो जा रहे थे जलदूत से। अपनी चिंता होती वो तो 2-2 हार्ट अटैक को सहन कर लिया, छोटी सी चीज को नहीं सहन कर सकते। किंतु उनके मन का विचार क्या था, मेरी सेवा रुक जाएगी, तो उसको समझाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो अत्यधिक नशा करके आया और सीधा उनके सामने खड़ा होकर उनको बड़े अपशब्द कहे, बड़े अपशब्द। श्री स्वामी महाराज जी चुपचाप उठे और 4th फ्लोर पर रहते थे, नीचे उतर कर आ गए। वो अपनी आत्मकथा में लिखते, मुझको ये नहीं पता था कि मुझे दाएं जाना है या मुझे बाएं जाना है, सड़क पर आकर खड़े हो गए। हम कल्पना नहीं कर सकते क्या उन्होंने परिश्रम किया है, कैसा उनका स्ट्रगल था और कैसा उनका सैक्रिफाइस किया उन्होंने। गुरु महाराज जी कहते थे ये उनकी निष्कपट गुरु सेवा का परिणाम है। गुरु महाराज जी के शब्द बतला रहा हूं, गुरु जी कहते थे उनकी निष्कपट गुरु सेवा का परिणाम है, आज जगत के असंख्य जीवों को कृष्ण भक्ति हो रही है। इसलिए कितना कहें उनके विषय में, कितना कहें, हम जो सब साधक है वर्तमान समय में, जो सब साधक या संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय उनका सदा ऋणी है, उनका सदा ऋणी रहेगा। इसलिए समय मैंने बहुत अधिक ले लिया, किंतु विषय ही ऐसा चल पड़ता है, ऐसी इच्छा होती है कि बस इसी में ही हमारा जीवन का अधिक से अधिक समय गुरुवर्गों की महिमा का श्रवण कीर्तन करते हुए और साथ ही साथ उनके आदर्श को अपने जीवन में पालन करने की चेष्टा करते हुए हमारा जीवन बीत जाए। इन तीनों गुरुवर्गों के चरणों में यही कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी प्रार्थना, वांछा कल्प करो दर्शक जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया सद्गुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु पूज्यपाद संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। पूज्यपाद संजय प्रभु बहुत ही सुंदर रूप से इन महापुरुषों की महिमा का गुण कीर्तन कर रहे थे। इतना आनंद हो रहा था कि बस जैसे सुनते ही रहें। क्योंकि इन महापुरुषों की महिमा ही इस प्रकार की है और यही हमारा साधन भी है। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी उनके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे, अभी थोड़ा उस विषय पर आएंगे किस प्रकार से उन्होंने कहा कि यही हमारा साधन है। उसके पहले मैं थोड़ा श्रील प्रभुपाद जी के विचार जो अंतिम समय में उन्होंने उपदेश प्रदान किए थे अपने भक्तों को अपने शिष्यों को, तुम सब मिलकर के श्री रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करते रहें, ये उपदेश प्रदान किया था। ये हमारे जो तीनों महापुरुष हैं श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की विचारधारा में निष्णात थे। देखो जो उन्होंने बताया रूप रघुनाथ की वाणी का मिलजुल करके प्रचार करते रहे। जब हमारे परम गुरुदेव ने इन तीनों को ही आचार्य पद के नियुक्त करने के लिए कहा तो श्रील गुरुदेव और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए ही सहमति प्रदान करी के और उनको किसी प्रकार से राजी भी किया कि आप चिंता ना करें, हम आपकी सब प्रकार से सहायता करेंगे, सब प्रकार से आपका जो भी प्रचार में जो कुछ भी गुरु सेवा में जिस प्रकार से सहयोग हो सकता है वो सहयोग करेंगे। तो रूप रघुनाथ की वाणी का मिलजुल कर किस प्रकार से प्रचार किया जाता है इसका आदर्श दिखा करके वो गए हैं। इनमें आपस में जैसे बताया किस प्रकार की दीनता थी, तीनों ही महापुरुष हैं, राधा रानी के निज जन हैं, किंतु फिर भी किसी प्रकार का जो विषमता इत्यादि दोष नहीं देखा गया जो कि इस बद्ध जीवों में सब समय देखा जाता है। और कैसे कैसे जैसे कहते हैं कि तीनों को ही परम गुरुदेव ने एक जो है दायित्व तो परम गुरुदेव की इच्छा से उन्होंने स्वीकार किया, क्या भक्ति जगत में हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए जो भक्तिपूर्ण कैसे होती संबंध अभिधेय और प्रयोजन जो भी हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन सब में इन्हीं तीनों बातों का विचार है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो किस प्रकार से श्रील वामन गोसाई महाराज जी वो संबंध प्रदान करते थे, संबंध क्या प्रदान कैसे प्रदान किया जाता है, दीक्षा के द्वारा। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्तु कोविदे। दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है, वो दिव्य ज्ञान क्या है, कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान, उसी को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। किंतु सर्वोत्तम जो बताया कि सर्वोत्तम संबंध क्या है, तो कृष्ण के साथ में जो संबंध है वास्तव में वो भी हमारा संबंध ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को तो हमने देखा ही नहीं, फिर कृष्ण के साथ में क्या संबंध हो सकता है। इसलिए श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने आचरण के द्वारा इस बात को दिखाया कि वास्तव में तो हमारा गुरु के साथ में संबंध है, अर्थात हम गुरु दास हैं, ये हमारा संबंध है। और इसके लिए उनके जीवन चरित्र में प्रमाण भी देखा जाता है। हम लोग प्रातः काल से उनकी महिमा गुरु सेवा के ऊपर सुन रहे हैं, उसी में एक और विचार है। एक समय उनके अंतिम समय में लगभग एक भक्त ने आकर के उनसे पूछा कि महाराज मैं कौन हूँ, क्योंकि वो सब समय अपने अंतर भावों में रहते थे तो लोगों को लगता था कि पता नहीं पहचानते कि नहीं पहचानते, इस प्रकार के भाव बद्ध जीवों में आ जाते हैं। तो पूछा मैं कौन हूँ, तो महाराज जी ने बोला कि तुम कृष्णदास। तो फिर उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गुरुदास हूँ।
यही वास्तव में जो बताया सर्वोत्तम संबंध यही है। श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद के समय में एक आर्टिकल लिखा था इस विषय में कि वास्तव में जो कहते हैं कि हम कृष्ण दास हैं यह तो सत्य ही है, क्योंकि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, के जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो हम किसके दास हैं, क्योंकि कृष्ण की जो सेवा करने वाले हैं सर्वोत्तम वो श्रीमती राधा रानी है। फिर राधा रानी के जो प्रकाश है वो हमारे गुरुपाद पद, जो मधुर रस से सेवा करते हैं गुरुपाद पद में, और हम उनके दास हैं। तो यही जो वास्तव में हमारा जो परिचय है वह गुरुदास ही है। और यहां से लेकर के अर्थात कि जो कृष्ण कृपा भी करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, स्वयं आकर के नहीं करते, गुरु के रूप में ही कृष्ण कृपा आकर के करते हैं। और यहाँ पर जैसे हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीवों के लिए कृष्ण स्वयं आकर के कुछ नहीं करते, गुरु क्या करते हैं, जहाँ कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे नरकों में पड़े हुए थे वहां से हमारी चोटी पकड़ पकड़ करके उठा करके हमको इस स्थान पर लेकर के आए। तो हम किसके दास हुए, हम गुरु के दास हुए। फिर दीक्षा प्रदान करते, फिर हमको शिक्षा प्रदान करते, हमको भक्ति के लिए योग्य बनाते हैं, और ये तो है। फिर उसके बाद हमको संबंध ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान स्वरूप स्वरूप की उपलब्धि हो गई, यहाँ तक भी हम क्या हैं, गुरुदास। अब स्वरूप उपलब्धि के बाद में भी वस्तु सिद्धि की जब बात आ जाती है, उस समय भी अगर हम विचार करें कि रासलीला के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जो गोपियां जो साधन सिद्धा थी, जिन गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त हुआ, उनके जो कसाय थे वो नष्ट हो गए। इसी कारण से जब कृष्ण बंसी बजाई उस समय केवल मात्र वे गोपियां जिनको नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त हुआ था, जिनके कसाय नष्ट हो चुके थे, उनका ही प्रवेश हुआ रास में। योग माया ने केवल उनकी सहायता की, किंतु जिन गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त नहीं हुआ था, उनके कसाय रह गए थे, योग माया ने उनकी सहायता नहीं की। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो विचार क्या है, गुरुदास। अर्थात वस्तु सिद्धि के लिए भी जो उस समय गुरु कौन है, श्रीमती राधा रानी और अन्य जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं वही गुरु हैं। तो वहां पर उनकी कृपा के द्वारा ही हमको वहां पर भी रास इत्यादि में भी प्रवेश संभव है। तो चित्त जगत की बात हो चाहे जड़ जगत की बात हो, जीव वास्तव में सब समय गुरुदास ही। और जब वहां रासलीला में बाद में फिर से जो अन्य अन्य जो गोपियां थी उनको भी फिर बाद में जब उनके कसाय नष्ट हुए तब जाकर के उनका भी रास में प्रवेश हुआ। और फिर वहां जब सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तो भी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा तो होती नहीं, तो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं होती तो फिर कृष्णदास कैसे हुए। वहां भी श्रीमती राधा रानी उनके अनुगत जितनी सखियां हैं मंजरियां हैं उनके अनुगत्य में ही ये सेवा होती है। इसीलिए जीव क्या है, हम लोग सब समय के लिए गुरुदास ही हैं। और इस समय इसी विषय में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ये कहते थे कि हम ब्रह्मचारियों का यह अभिमान होना चाहिए, मैं गुरु का खाता हूँ गुरु का पहनता हूँ, मेरा जो सब कुछ है तन मन रोम रोम जो कुछ भी है वो गुरु की कृपा से बना हुआ है। इस प्रकार का हमारे अंदर अभिमान होना चाहिए तब जाकर के हम गुरुदास बन पाए। और खाली सिर्फ मात्र कहने मात्र से ही गुरुदास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वयं आचरण करके दिखाया कि गुरुदास होंगे कैसे। प्रातः काल से हम लोग यही बात श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने गुरु की तन मन प्राण देकर के सेवा की। एक उसमें उदाहरण बताता हूँ, जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए उस समय गौड़ी मठ में अनेक सारी असुविधाएं उपलब्ध हुई, और वहां पर उस समय हमारे परम गुरुदेव जो कि जो उस समय मठ के जो सभापति बनाए गए थे उनका आचार विचार उनको ठीक नहीं लगा, इस कारण से उन्होंने उनका विरोध किया। इसी कारण से क्या हो गया कि परम गुरुदेव और लगभग 30-40 भक्तों के प्रति हत्या का अभियोग लगा दिया, गलत मुकदमा लगाया, उनको जेल जाना पड़ा। उस समय श्री वामन गोसाई महाराज जी जो कि उस समय नाम था श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष, और वो जाकर के जेल में परम गुरुदेव के साथ वार्तालाप करते थे, कहां वकील से मिलना है वहां पर जाते थे, उसके लिए केस लड़ने के लिए धन एकत्र करना, वैष्णवों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, जेल में प्रसाद पहुंचाना, जितना भी चीज है वो सारा का सारा अकेले ही कर रहे थे, क्योंकि बाकी जितने भी वरिष्ठ भक्त थे वो सब तो जेल के अंदर थे। तो इस समय जो शिला सज्जन सेवक ब्रह्मचारी जो कि इस प्रकार से इन लोगों की सहायता कर रहे थे, तो जो विरोधी पक्ष वाले उन्होंने सोचा कि ये तो बालक है, इसको हम आसानी से बहला फुसला करके अपनी ओर मिला लेंगे। तो उन्होंने उनको जाकर के बोला कि देखो तुम इन लोगों की सेवा क्यों करते हो, ये सब तो जेल में बंद है। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने बोला
कि असत संग त्याग एही वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्ता, कि मैं असत संग का त्याग करके वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये लोग वैष्णव है तो फिर जेल में क्यों बंद है, वैष्णव तो जेल में बंद नहीं होते। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने उदाहरण दिया कि कभी कभी सोना भी अगर किसी गंदे स्थान में गिर पड़े तो क्या सोने की चमक या सोने के मूल्य में कोई कमी हो जाती है। इसलिए मैं तो वैष्णव सेवा ही करूंगा, चाहे मुझे वो जेल के भीतर में रहकर ही क्यों ना करनी पड़े। इस प्रकार से उन्होंने जो गुरु निष्ठा, और इसी कारण से देखो कैसा अद्भुत ये जो घटना है, जो हम लोगों ने कभी उससे पहले सुनी भी नहीं होगी, कि जेल के अंदर से ही परम गुरुदेव ने उनको मंत्र प्रदान किया। इस प्रकार का हम लोग ने कभी गुरु और शिष्य में संबंध देखा है। हम लोग क्या है, बाह्य संबंध को ही अधिक महत्व देते हैं, आंतरिक संबंधों को महत्व नहीं देते। ये अनुष्ठान है तो वो जेल के अंदर से बाहर से किसी प्रकार भी हो सकता है, किंतु वास्तव क्या है, उन्होंने अपने तन मन प्राण सब कुछ परम गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिए, यही वास्तव में दीक्षा है। और इसी कारण से वे उनके समस्त विचारों में, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, समस्त विचारों में निष्णात है, इसी कारण से वही वास्तविक शिष्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सेवा का आदर्श दिखाया। अभी ये बताया गुरु दीक्षा, गुरु क्या है, गुरु दास। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने अपने आचरण के द्वारा एक और शिक्षा प्रदान की कि तुम गुरुदास बोलने से नहीं बन जाओगे, उसके लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक अधिकार की आवश्यकता है, और वो अधिकार है वैष्णव दास बनना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो जीव का स्वरूप बताया वो क्या बताया, कृष्णदास तो बताया नहीं, ना हम विप्रो न चंद्रपति ना पे वैष्णव ना पे शूद्र, क्या बताया, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामिता गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानु दास। अभी तो हम लोग गुरुदास बनने की योग्यता प्राप्त नहीं हुई हमको, और ऐसे ही सिर्फ बोलते रहेंगे और गुरु के पास में लगे रहेंगे, उनके पीछे पीछे दौड़ते भागते रहेंगे, उससे गुरुदास नहीं बन जाएंगे। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया। 1931 में वो मठ में आए, 1921 में उनका आविर्भाव है, लगभग 9-10 वर्ष की उम्र थी, और उसी उम्र में किस प्रकार से उन्होंने वैष्णव सेवा की, और पहले वो वैष्णव दास बने। कैसे सेवा की उन्होंने, 10 वर्ष की उम्र में बालक सेवा जानता भी नहीं क्या होती है, किंतु किस प्रकार की तन मन प्राण देकर सेवा करते थे। श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु मठ में सबसे पहले जगते थे, उनके साथ में वो जग जाते थे, और उनके साथ में जग करके बताया कि सारे वैष्णव जगेंगे तो टॉयलेट जाएंगे, वो टॉयलेट को सबको साफ करना, फिर वैष्णवों के लिए प्रसाद के पहले सारे पत्तों को धोना, उनके लिए नींबू काटना, नमक इत्यादि की व्यवस्था करना, जंगल में जाकर के लकड़ियां एकत्रित करना, रसोई बनेगी, नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के साथ इस प्रकार सारी सेवा करना, सारे वैष्णवों के कपड़े धोना, उनके कमरे साफ करना, इस प्रकार से उन्होंने सेवा की। जब उन्होंने वो सेवा की, वैष्णव दास धर्म में जब वो निष्णात हुए, उसके बाद उनको आगे का अधिकार प्राप्त हुआ। यद्यपि वो तो नित्य महापुरुष है, लेकिन बता रहे हैं कि कैसे हम जैसे साधकों को कैसे आगे का अधिकार प्राप्त होगा। जब वैष्णव दास धर्म में निष्णात हो जाएंगे, तब हमको गुरुदास बनने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। उसके पहले हम कितना भी प्रयास करते रहें और कितना भी बोलते रहें, किंतु गुरुदास नहीं बन सकते। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने एक उपदेश में ये बात बताई है कि जो सेवक होता है उसके लिए विश्राम क्या है। जैसे हम लोग सोते हैं, चलो बहुत काम कर लिया, बहुत सेवा कर ली, चलो सो जाते हैं जाकर के बेड पर, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं सेवक के लिए सेवा ही विश्राम है। कितना ऊंचा उनका आदर्श है, जो शिक्षा वो प्रदान करके गए हैं, हम लोग उसको धारण करने में किस प्रकार से असमर्थ है, कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते जैसा उनका उपदेश है। तो फिर उन्होंने एक उसका उपाय भी बताया, क्योंकि हम तो ऐसा कभी कर नहीं सकते कि सेवा ही विश्राम है। इसलिए भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में भी ऐसा हम श्रवण करते हैं। उनसे एक समय किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब श्री प्रभुपाद ने उनको कोई सेवा प्रदान की, दिन रात अथक परिश्रम करके, भूखे प्यासे कोई चिंता नहीं, किसी वस्तु की उन्होंने कोई वो भी नहीं की कि इस सेवा के लिए मुझे ये वस्तु प्रदान करो। जैसे हम लोग हैं, अगर हमको कोई गुरु जी सेवा प्रदान करे, वैष्णव सेवा प्रदान करे, तो पहले कहेंगे उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारी चीजें तो गुरु और वैष्णव ही उपलब्ध करा देंगे, तो फिर हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, इस बात को विचार करना पड़ेगा। लेकिन वो कभी इस प्रकार के विचार नहीं करते। तो इतना अथक परिश्रम करके वो आए, और श्रील प्रभुपाद ने बिना उनसे ये पूछे ही कि तुमने ये सेवा ठीक से की कि नहीं की,
मुझे दूसरी सेवा प्रदान कर देते थे, इससे मेरे हृदय को सबसे अधिक आनंद होता। कारण क्या कारण है, हम तो इस बात को समझने के लिए भी योग्य नहीं है। ये कौन सी बात हुई? ये बात इसलिए हुई कि उनके उनके जो गुरु हैं उनको उनमें इतना विश्वास है कि अगर इसको मैंने कोई सेवा कोई दायित्व दिया है तो ये पूर्ण करके ही लौटेगा। ये जो विश्वास है गुरु का शिष्य के प्रति, यही शिष्य को सबसे अधिक आनंद प्रदान करता है। इसीलिए श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार की बात की। तो उनके लिए क्या है, सेवा ही विश्राम, अर्थात तुरंत दूसरी सेवा प्रदान कर दी, यही उनके लिए विश्राम है और इसी में वो आनंदित रहते हैं। किंतु हमारे जैसे बद्ध जीव तो इसको समझ ही नहीं सकते। इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि देखो गुरु सेवा ही सभी भक्ति का मूल है, किंतु और गुरु ये जो ये गुरु सेवा उसका अधिकार कैसे प्राप्त होगा, अब हम तो अनधिकारी हैं। तो कह रहे हैं यमे वैस बिणते ते लभ्य, निष्कपट गुरु सेवा करो। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण है किंतु अभी तो समय का अभाव है, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। निष्कपट गुरु सेवा करो और उससे क्या होगा, यमे वैस बिणते तेन लभ्य, अर्थात वो वरण करेंगे, उसके अतिरिक्त तुम कोई समझना नहीं कि तुम्हारा कोई साधन है भक्ति प्राप्त करने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं रोज परिक्रमा करता हूँ गिरिराज जी की, मैं रोज 300,000 हरि नाम करता हूँ, मैं मठ में सारे दिन लगा रहता हूँ, ये सब कोई भी साधन नहीं है, एकमात्र गुरु सेवा गुरु कृपा यमे वैस वृणते तेन लभ्य। और श्री वामन गोस्वामी महाराज क्या अद्भुत विचार दिया इसमें कि जो व्यक्ति गुरु कृपा से वैष्णव कृपा से वंचित हुए हैं तो समझ लेना वो भक्ति से च्युत हो गए। देखने में तो लग रहा है बहुत सारा वो कर रहे हैं परिश्रम, किंतु वो भक्ति से च्युत हो गए, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है गुरु कृपा वैष्णव कृपा। इसलिए हमें सारा जो साधन है वो करना चाहिए किसकी प्राप्ति के लिए, गुरु कृपा और वैष्णव कृपा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और उसका फिर आगे उपाय क्या है, उसके उपाय के लिए जैसे श्री महाराज जी सुगेरे बता रहे थे कि श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने एक ही उपदेश प्रदान किया कि सब दिन तुम एक ही कीर्तन करना, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषय दुर्जन सदा पापेरत किछु नाही मोर गुण। यही उसका कृपा प्राप्त करने का यही उपाय है कि सब समय इस प्रकार का हृदय में भाव हो और दीनता पूर्वक रोते हुए विलाप करते हुए इस प्रकार का अगर हम भाव रखेंगे तो गुरु क्या इस जगत में कृपा देने के लिए तो आए। जब हमको निष्कपट रूप से इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से कृपा देंगे, और वही जो कृपा है वही भक्ति है वही सब कुछ। इस प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज ने संबंध प्रदान किया। थोड़ा अभिधेय के बारे में बताऊं, ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभिधेय और प्रयोजन सबसे फिर वांछा हरे कृष्ण। कल मेरे गुरु जी की आविर्भाव तिथि है, आज सवेरे जैसे हम लोग जब पुष्पांजलि हरि कथा की, कल सवेरे सब लोग अब लोग सब थोड़े थोड़े में लास्ट हो गए। आप शुभारंभ करते हैं तब ट्रेन बढ़िया चलती है। कल एकदम सवेरे सवेरे मतलब आरती के बाद थोड़ी सी आनंदबाजी करके कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद हरी कथा आएगी, फिर प्रसाद सवेरे सब। कल सीधे दोपहर को ही प्रसाद पाएंगे, दोपहर तक हरी कथा होगी। सब लेडी बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हर्ष राम मोहित राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे बोला हरे
Thank you.
Oh,
अच्छा।